अच्छा भाई ने जो है ना हमें ये कैंप पूरा खोल के दिखा दिया, देखें काफ़ी बड़ा कैंप है और भाई बता रहे हैं कि इसमें 6-7 बंदे आराम से जो है एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये देखें भाई यहाँ पर चाकू रखे हुए हैं, अभी हथकड़ी भी रखी हुई है भाई, दूरबीन है, बहुत सारा सामान है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब भाई, आज हम जा रहे हैं एडवेंचर का सामान लेने। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमें कैंपिंग ट्रिप का सामान लेने के लिए जाना है, तो आज फाइनली टाइम आ गया है और हमारे साथ हम्माद भाई हैं, एहतिशाम भाई और फराज भाई, और हम चारों बॉयज जा रहे हैं कैंपिंग का सामान लेने, क्योंकि अब हमारी ट्रिप जो है ना इंशाल्लाह इन फ्यूचर स्टार्ट होने वाली है। क्या कहते हो हम्माद भाई? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है, और हम लोग आज जो सामान लेने जा रहे हैं वो हाइकिंग ऐसी सीरीज का लेने जा रहे हैं। सही है, जो भी जरूरत का सामान होगा वो सारा लेंगे आज। भाई पहाड़ों पे कैंप लगाया करेंगे, फुल एडवेंचर करेंगे, फुल मजा आने वाला भाई। अभी इम्प्रेस मार्केट हम पहुंच गए, देखिए इम्प्रेस मार्केट आपको नजर आ रही होगी, और ट्रैफिक जो है ना यहाँ, मतलब मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ इस रोड पे हमेशा ट्रैफिक मिले। गाड़ी पार्किंग में लगा कर हम आ गए मार्केट, ये देखिए न्यू बाड़ा मार्केट, और यहाँ पर तमाम सामान मिलेगा कैंपिंग का, क्या हर चीज मिल जाएगी यहाँ पर, वो भी इम्पोर्टेड। सदर में ना सबसे बड़ा इशू होता है कि पार्किंग नहीं मिलती है, बहुत दूर पार्किंग मिली है, वहाँ पर गाड़ी लगा के वहाँ से पैदल पैदल चलते हुए हम। चले भाई मार्केट में इंटर हो गए, और ये देखें भाई सामान भी नजर आना शुरू हो गए हैं, ये सारा जो है ना कैंपिंग वैम्पिंग का सामान है। हुए हुए चेक करें भाई, चाकू रखे हुए, फ्लैश लाइट देखें कैसी कैसी रखी हुई है। हाँ फराद भाई यार ये तो फोल्ड भी हो जाती है, जबरदस्त कैंपिंग चेयर है। एहतिशाम भाई कुछ शॉपिंग वॉपिंग करा दूं तुम्हें यहाँ से? आपकी भाभी के लिए ले लूँ, ये सब चीज़ है, बड़ा हरामी हो। अच्छा भाई आप लोग ये देखें यहाँ पर लाइट्स कौन कौन सी, ये देखें जबरदस्त किस्म की लाइट्स हैं, ये देखें भाई ये लाइट है और काफ़ी वेट है, कैसी है यार, बहुत हैवी किस्म की लाइट लग रही है, इसको जला के देखते हैं। कितना रेंज है? महंगे 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर रेंज भाई, ये देखें भाई बता रहे हैं 1.5 किलोमीटर इमरजेंसी भी है इसमें। अच्छा ये सुटक लगा है थोड़ी, और इसमें ब्लेड लगा है इधर साइड में। तो भाई ये तो बहुत ही अल्ट्रा किस्म की लाइट लग रही है मुझे, कितने की है? 8800 mAh इसका बैटरी है, बाकी इसमें पावर बैंक भी। प्राइस बताओ, प्राइस। मोबाइल भी चार्ज करके देगा आपको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसका प्राइस भी कम है, 3500 रुपए। 3500 की? क्या जबरदस्त लाइट यार, 1.5 किलोमीटर जाएगी ये लाइट। वाओ यार, हमने जो है पूरी मार्केट घूम ली, हमें कैम जो है कहीं पर समझ नहीं आया, अभी इन भाई की दुकान पर आए, यहाँ देख लेते हैं कैम शायद हमारे को मिल जाए, क्योंकि इनके पास जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं, देखें सारी एसेसरीज हैं। ये देखें भाई यहाँ पर चाकू रखे हुए हैं, अबे हथकड़ी भी रखी हुई है भाई, दूरबीन है, बहुत सारा सामान है इनके पास। तो भाई ये थी मार्केट जहाँ पर कैंप वैम्प तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, और हमने यहाँ से कैंप नहीं लिया और ना ही हम लेंगे और ना ही आइंदा कभी इस मार्केट में आएंगे, क्यों भाई ऐसी है ना, ऐसी है बिल्कुल, कोऑपरेटिव लोग नहीं है यार, एक बंदा हो तो समझ में आ रहा, सारे दुकानदार एक जैसे हुए यार, जिसके पास जा रहे हैं ना सबसे पहले वो कह रहे हैं कैमरा बंद करो वीडियो नहीं बनाओ, ऊपर से जो एक कस्टमर के साथ तमीज से बात की जाती है ना बिल्कुल भी नहीं यार, करने का बोलने वो बर्दाश्त है, बर्दाश्त है यार, तरीके से बात करो, बिल्कुल जाहिलों की तरह बात करो, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया भाई। मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस मार्केट बिल्कुल भी ना जाए, अवॉइड करें इस मार्केट को, क्योंकि यहाँ के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं, और दूसरी चीज जो दुकानदार है ना बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, मतलब बदतमीज हैं, बदतमीजी करेंगे आप लोगों के साथ भी, ठीक है। मुझे आप लोगों की इज्जत बहुत प्यारी है गाइस, आप लोग मत जाइएगा, देखिए हम तो होकर आ गए, हमारे को अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हैं आप भी ना जाए यार, ट्रैफिक की वजह से जो है हमें काफी ज्यादा देर हो गई है, और देखें अंधेरा भी होने वाला है, और हम जो है इस वक्त जोड़िया बाजार में, हम यहाँ से कैंप खरीदेंगे, किसी ने बताया कि जोड़िया बाजार में भी कैंपिंग की दुकानें हैं, और आप लोग ये देखें भाई जोड़िया बाजार में कितना ट्रैफिक है यार, भाई पैदल चलने की भी जगह नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात। तो भाई जोड़िया बाजार के ट्रैफिक और रश से निकलने के बाद हम पहुँच गए एक शॉप पर, और यहाँ पर जो है ना कैंप्स वगैरह मिल जाते हैं, और वो भी बिल्कुल मुनासिब कीमत में। ये देखें भाई ने ये कैंप दिखाया है, ये कैंप है भाई, कितने पर्सन के लिए? 6 भाई, 6 पर्सन का कैंप है ये, और भाई खोल के दिखा रहे हैं इसको। अच्छा भाई के पास जो है ना ऑटोमेटिक कैंप नहीं है, मैनुअल कैंप है ये, देखिए ये मैनुअल है, तो ये आपको खुद ही मैनुअली लगाना पड़ेगा, ये मुश्किल तो नहीं होता इतना लगाना, नहीं नहीं कोई मुश्किल नहीं, इजीली लग जाता है जी भाई, ऑटो से ज्यादा बेहतरीन ये वाला। हाँ पूछा मैंने कुछ। अच्छा भाई ने जो है ना हमें ये कैंप पूरा खोल के दिखा दिया, देखें काफी बड़ा कैंप है, और भाई बता रहे हैं कि इसमें 6-7 बंदे आराम से जो है एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और 5 बंदे आराम से सो भी सकते हैं इजीली। अच्छा आप लोग ये देखें कि आपको इस टाइप के कैंप्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, देखें ये जो बड़े बड़े कैंप होते हैं ना कि वो भी इस शॉप पे अवेलेबल हैं। अच्छा यहाँ ना आपको कैंप्स के साथ साथ और भी चीज़ें मिल जाएंगी, देखें अम्ब्रेला भी मिलेगी, ये भाई हमें लगा कर दिखा रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि अक्सर हम बीचेस वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पर अम्ब्रेला लगा के कुछ लोग बैठे होते हैं, यूरोप में देखा होगा आप लोगों ने इस टाइप के सीन होते हैं, तो अब हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे सीन कर रहे हैं काफ़ी लोग। देखें यार हमने बहुत सारे टेंट देखे, और काफ़ी देर भाइयों से मशवरा करने के बाद हमें एक टेंट समझ आ गए,
ये देखें ये कैंप है और ये कितने बंदों का भाई, 6-7 पर्सन आराम से इसमें स्टे कर सकते हैं। और भाई ने भी बिल्कुल मुनासिब कीमत में हमें दिया है, देखें 6000 रुपए में आपको अगर 6-7 बंदों का कैंप मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई। मार्केट में बहुत महंगे महंगे कैंप है, आप लोगों को हमने इससे पहले भी एक मार्केट दिखाई जहाँ हम गए थे, वहाँ तो बहुत ही हाई प्राइस है, मतलब डायरेक्ट ही 16,000-17,000 ऐसे से बात कर रहे हैं भाई। वो हाँ अमेरिका में आ गए जो बात है। और ये देखें ये भाई का कार्ड है, इस पर नंबर भी है, अगर आप लोग भी लेना चाहें कैंप तो इजीली यहाँ से ले सकते हैं भाई, मुनासिब कीमत में अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। तो भाई फाइनली कैंप बाय करके हमारे मोटू जा रहे हैं। हाँ एहतिशाम भाई, जी भाई कैंपिंग करने जा रहे हो? जी भाई कैंपिंग करने। कहाँ? जोड़िया बाजार में ही कर लो। यही करेंगे भाई। कैम तो हमने बाय कर लिया है, लेकिन हमाद भाई कह रहे थे कुछ ऐसे सीरीज चाहिए, तो हम गुल प्लाजा आ गए और यहाँ पर देखें तमाम चीज़ें। ये देखें भाई कितने खूबसूरत खूबसूरत लैंप है, क्या क्या चीज़ें यार। तमाम तो वो लग रहा, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है यार, कब से ढूंढने मिला तो नहीं अभी तक। चलो देखते ट्राई करते हैं आगे चलते हैं भाई। अभी तो पूरा गुल प्लाजा एक्सप्लोर ही कर रहे हैं और कहीं भी हमारे मतलब की चीज़ मिली नहीं है जो हमें चाहिए। भाई पूरे गुल प्लाजा में हमने देख लिया, जो चीज़ हमें चाहिए ना वो हमें नहीं मिल रही, और अभी हम वापस जा रहे हैं। असल में यहाँ जो है ना मसालों की बड़ी बड़ी डब्बियाँ मिली है, हमें चाहिए छोटी डब्बियाँ जिसमें हम थोड़ा सा मसाला रख सके, मतलब 6-7 डब्बियों का सेट हो एक। तो भाई फाइनली कैंप वैम्प खरीद कर हम घर पहुंच गए, और अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी भी प्रोग्राम बाकी है, मतलब कैंपिंग का सीन तो हम किसी और दिन बनाएंगे, लेकिन आज जो है शहजाद भाई की तरफ से एक दावत आ गई है। और शहजाद भाई क्या बना रहे हैं ये देखें। शहजाद भाई कौन सी मछली लेकर आ गए इतनी बड़ी? ये पोपट। पोपट और क्या बनाएंगे इसका? फ्राई करेंगे। ये देखिए आज जो है ना छत पे प्रोग्राम हो रहा है तो इसको फ्राई करने वाले हैं, और इसके अलावा जो है बटेरे हैं, बटेर का क्या बनेगा? बटेर की कढ़ाई बनेगी। कढ़ाई बनेगी। बाकी ये देखें भाई यहाँ पर बटेरे रखी हुई हैं, और चेक करें 5 बटेरे हैं। ये देखें इसकी खाल वाल सब उतार दिए, और बटेर की बनेगी कढ़ाई, और फिश को जो है फ्राई करा जाएगा। ये अचानक से शहजाद भाई की तरफ से दावत आ गई है, इसलिए मैं भी जल्दी से कैंपिंग वैम्पिंग का सामान लेने के बाद फटाफट आया और फ्रेश फ्रेश भी हो गया, क्योंकि आज जो है ना थकन बहुत ज़्यादा हुई थी। हम 2-3 मार्केट घूमे, बहुत मुश्किल से कैंप मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कैंप मिला है। अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में जो है ना कैंपिंग का एक प्रोग्राम आने वाला है, वो भी किसी VIP जगह पर। मछली यहाँ पर फ्राई हो रही है, और बाकी फिश पे भी देखिए मसाला लगा दिए सब पीसेस पे। शहजाद भाई बेहतरीन खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त बन रहा है। खुशबू क्यों नहीं आएगी यार? ये फिश चेक करें आप लोग, ओए होए क्या जबरदस्त गोश्त है यार इसका, और सॉफ्टनेस देखें, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जबरदस्त भाई। और ये बटेर चेक करें, मजेदार। ये देखें बटेर के लेग पीस। भाई खाना खा लिया है और मजा आ गया। शहजाद भाई थैंक यू सो मच इतनी जबरदस्त दावत के लिए। VIP माशाल्लाह, मजा आ गया भाई। तो यार इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।